निर्गमन अध्याय 5, निर्गमन अध्याय 5। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करे। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। ऐसा न हो कि वह हमसे मरी फैलाए वा तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। फिर फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटे बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, सो आगे को न देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें, तो भी जितनी ईंटे अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी है, इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। तब लोगों के परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा, तुम ही जाकर जहां कहीं पुआल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। सो वे लोग सारे मिस्र देश में तीतर बीतर हुए कि पुलाव की संती खुंटी बटोरे, और परिश्रम करने वाले यह कहकर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले की नाई कल और आज पूरी नहीं कराई। तब इस्राएलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई देकर यह कहा कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं, और वे हमसे कहते हैं कि ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इस कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे, और अब जाकर अपना काम करो, और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरवाकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहां क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया।